उसको धन्यवाद जना बोलेंगे हम सब कि वो हिम्मत से आके सामने में अपना बात बोल पाएगी कि सरकार का 100 दिन हो चुका है, तो 100 दिन में आपने जो मॉडल पुलिस स्टेशन है जो कि हमारे कैपिटल सिटी में है उसको आप लोग देखे नहीं कि उसमें सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है। ये 15 सितंबर की खबर है ये, और प्रधानमंत्री 17 सितंबर को आए। क्या प्रधानमंत्री के आने की वजह से जानबूझ के इसको दबा के रखा गया? थाने में जो पुलिस ऑफिसर को रखे हैं, आईआईसी को रखे हैं, उनका भी प्रीवियस में ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो महिला बहुत स्ट्रांग हेडेड है, बहुत बोल्ड है, उसको धन्यवाद बोलेंगे हम सब कि वो हिम्मत से आके सामने में अपना बात बोल पाई। नहीं तो बहुत सारे पुलिस में महिलाएं केस लॉन्च नहीं कर पाती हैं, उनके ऊपर जिस तरह से दबाव रहता है, एफआईआर नहीं लॉन्च कर पाती है, वापस आ जाती हैं एंड निराश हो जाती है, उनको कुछ आगे का विश्वास, कुछ एक डायरेक्शन दिखता नहीं है। तो अभी एक लॉयर है बाय प्रोफेशन और उनके जो मंगेतर हैं वो भी मेजर हैं, तो अगर रात में उनका खुद का कैफे भी एक है, सो रात में जब कुछ लोग उनको तंग किए, जो रोमियो लोग घूमते रहते हैं हर जगह, जो लोग उनको तंग किए रात के 1:30 बजे, कोई महिला पुलिस थाना क्यों जाएगी? उतना सीरियस होगा, उतना थ्रेट होगा, तभी ना कोई महिला पुलिस थाना जाएगी रात को। तो 1:30 बजे जब पुलिस थाना पहुंचती है, और ये पुलिस स्टेशन एक मॉडल पुलिस स्टेशन बोला जाता है, तो सरकार को मैं ये बोलूंगी कि सरकार का 100 दिन हो चुका है, तो 100 दिन में आपने जो मॉडल पुलिस स्टेशन है जो कि हमारे कैपिटल सिटी में है उसको आप लोग देखे नहीं कि उसमें सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है? अगर कैमरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है कि कैमरा मैंडेटरी है सारे थाने में, तो रिक्विजिशन गया था क्या? रिक्विजिशन अगर गया था, होम डिपार्टमेंट में पेंडिंग है क्या? क्यों पेंडिंग है? कौन पेंडिंग रखा है फाइल? तो जो बेसिक सुरक्षा, एक महिला अगर आती है थाने में जो सुरक्षा पाने के लिए, वो सुरक्षा तो नहीं दिए। 15 सितंबर की खबर है ये, और प्रधानमंत्री 17 सितंबर को आए। क्या प्रधानमंत्री के आने की वजह से जानबूझ के इसको दबा के रखा गया ताकि सुभद्रा योजना लॉन्च होगा और ये सामने नहीं आएगी? आज 20 तारीख हो गया है, जो उनका पीछा कर रहे थे 12 से 13 लोग थे, वो बोली थी, वो गाड़ी नंबर भी दी है, अभी तक पता भी नहीं चला है वो कहां पे हैं, उनको अरेस्ट भी नहीं किया है। 5 दिन हो गया है, देखिए द लैप्स ऑफ द सिस्टम, कैमरा नहीं है, और थाने में जो पुलिस ऑफिसर को रखे हैं, आईआईसी को रखे हैं, उनका भी प्रीवियस में ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो किस तरह से सरकार आने के बाद जो मेजर इशू है महिला सुरक्षा का, बैक टू बैक प्रॉब्लम चल रहा है उड़ीसा में। आप खुर्दा में केस हुआ था, ढिंकनाल में केस हुआ था, संबलपुर में केस हुआ था, कटक में भी एसीबी मेडिकल में केस हुआ था। तो बैक टू बैक अगर केस हो रहा है तो सरकार क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि एक महिला के केस में हम लोग बजट सेशन में भी हाउस में बोले थे कि यहां पे हम राजनीति नहीं करेंगे। जब महिला सुरक्षा की बात होती है, हम सब 147 एमएलए सब मिल जाएंगे, मिलके महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे। बट यहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, 5 दिन हो गया, अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं आया सरकार की तरफ से, कुछ एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक उन पे जो लोग करे हैं ऐसे कारनामा, प्लस थाने के अंदर जो लोग हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और एक दुख लग रहा है कि 3 महिला भी थाने के अंदर थी, सो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उनका क्या इश्यूज था? क्योंकि थाने में हम भी सुन रहे हैं कि पुलिस सफिशिएंट नहीं है, जो हर थाने से ये अभियोग आ रहा है, ये कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं।